Why English is so hard? English Balbharti, Standard 4, Unit 2, Poem number 12. Why English is so hard? English medium. Let's understand the grammar given in this poem at the end of the poem on page number 27. The topic which is covered here is pronoun. Okay, now let's understand what is a pronoun. A pronoun is a word that is used in place of a naming word. So, pronoun ek shabd hai, pronoun ek alfaz hai, pronoun ek word hai, jo naam ki jagah par istemal kiya jata hai. Niche aap screen par dekh sakte hain, kuch pronouns hote hain jo boys ke liye istemal hote hain, males ke liye istemal hote hain, unhein masculine kaha jata hai. और कुछ प्रोनाउन होते हैं जो गर्ल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें फेमिनिन कहा जाता है. अब एग्जांपल देखते हैं. पहला वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में बॉयज प्रोनाउंस हैं उसका, मैस्कुलिन का, जॉन इज माय फ्रेंड. अब जॉन की जगह पर ही का इस्तेमाल किया गया है, ही इज माय फ्रेंड. सो जो वर्ड नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं. इस सेंटेंस में जॉन की जगह, क्योंकि जॉन एक लड़के का नाम है, जॉन की जगह पर इन प्लेस ऑफ जॉन द वर्ड ही इज यूज्ड. दैट्स व्हाई ही इज अ प्रोनाउन एंड ही इज अ मैस्कुलिन प्रोनाउन. मतलब वो बॉयज के लिए इस्तेमाल होता है. नीचे वाले एग्जाम्पल पे आते हैं. लेट सी दैट वन. दिस नोटबुक इज जॉन्स. This notebook is his. So his भी जो है ये pronoun है. I want to return it to John. और उसका answer है I want to return it to him. तो he, his, him ये सारे के सारे pronouns हैं. लेकिन ये boys pronoun है, pronouns है या masculine pronoun है. ये boys के लिए इस्तेमाल होते हैं, males के लिए इस्तेमाल होते हैं. Let's go to the right hand side. गर्ल्स प्रोनाउंस फेमिनिन. मैरी इज माय फ्रेंड. अब मैरी क्योंकि एक लड़की का नाम है, मैरी इज द नेम ऑफ अ गर्ल. सो इन प्लेस ऑफ मैरी वी कैनॉट राइट ही इज माय फ्रेंड. व्हाई? बिकॉज मैरी इज अ गर्ल. हम मैरी की जगह पर ही का इस्तेमाल उपयोग नहीं कर सकते, इसीलिए वहां पर शी लिखा है. शी इज माय फ्रेंड. जॉन के लिए ही, मैरी के लिए शी. ठीक है, तो शी और ही ये दोनों वर्ड्स नाम की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं. अगर बॉय है तो ही यूज होगा, गर्ल है तो शी यूज होगा. और क्योंकि ये वर्ड्स नाम की जगह पर, नाउन की जगह पर यूज किए जा रहे हैं, इसीलिए इन्हें प्रोनाउन कहा जाता है. सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं. दिस नोटबुक इज मैरीज. दिस नोटबुक इज हर्स. याद रखिएगा हर्स, हर्स प्रोनाउन है. जो एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो एग्जाम्पल गलत है या उसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप वो एग्जाम्पल ना रेफर करके इस एग्जाम्पल को समझें जिसमें मैरी, दिस नोटबुक इज मैरीज, इसका आंसर आएगा दिस नोटबुक इज हर्स. तो हर्स जो है ये गर्ल्स प्रोनाउन है या फेमिनिन प्रोनाउन है. आई वॉन्ट टू रिटर्न इट टू मैरी. आई वॉन्ट टू रिटर्न इट टू हर. सो इन एग्जाम्पल्स में शी, हर्स और हर ये सारे के सारे प्रोनाउन्स हैं. अब इसके साथ साथ मैंने आपको इसी पेज नंबर 27 के ऊपर जो सिंगुलर और प्लूरल के बारे में क्वेश्चंस हैं उसके भी आंसर्स इस वीडियो में मैंने साथ में पोस्ट कर दिए हैं, आगे आपको दिख जाएंगे. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझें, सारे बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से समझें. फिर से मैं एक बार बताता हूं, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. तो जो प्रोनाउन्स होते हैं वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं. ओके, और आप सब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.